अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखते हैं हम। अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, कई बार मैंने देखा है बच्चों को शुरुआत में इसे समझ नहीं पाते अच्छे से। आप इस बात को समझिए कि अर्थिंग से क्या होगा। अर्थिंग का मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। सपोज जैसे कंडक्टर और इस तरह से आप सिंबॉल लिखते हैं, इसका मतलब अर्थिंग हो गया। इस कंडक्टर को आपने एक कंडक्टिंग वायर से अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। वी कंसिडर पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो अबाउट, तो अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो है, आपने उसे कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर से, इसका मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो गया। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो हो गया इनफैक्ट यहां पर। तो हम देखते हैं किस तरह से इफेक्ट करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अर्थिंग। साफ लिखा है हमने, ऑन अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो हमारे पास दो कंडक्टिंग बॉडीज है, एक स्फीयर है और उसको कॉन्सेंट्रिकली कवर करने वाला हॉलो स्फीयर है। इनकी रेडियस सपोज स्मॉल आर और कैपिटल आर है, और रेडियस स्मॉल आर हमने लिए इसकी, और इसकी रेडियस कैपिटल आर लिए हमने। यहां से लीजिए आप रेडियस, दिस इज कैपिटल आर। क्या होगा यदि हम आउटर सरफेस को कैपिटल क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दें और इनर सरफेस को अर्थ कर दें, इनर स्फीयर को अर्थ कर दें और आउटर स्फीयर को प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दें। प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इस प्लस क्यू के कारण अंदर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर आपने अर्थ नहीं किया है तो पोटेंशियल कितना होगा? इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल वह होगा जो क्यू बाय आर से मिलेगा आपको, क्यू बाय आर, क्योंकि एक होलोस्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है क्यू बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर 4π0। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर अगर आपने इसे अर्थ से कनेक्ट नहीं किया तो। लेकिन अगर आपने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल तो हायर हो गया, इस पर से चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अगर यह न्यूट्रल है और इसका चार्ज अर्थ में चले गया, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एक बात अच्छे समझ लीजिए, पहले इसे अर्थ नहीं किया है, पहले इसे प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है। प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो अंदर वाला स्फीयर का पोटेंशियल क्यू बाय आर 4π0 हो जाएगा, और अगर आपने अर्थ कनेक्ट कर दिया अर्थ से तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, इसका पोटेंशियल हायर हो गया, इतना हो गया, इसलिए हायर से लोअर पोटेंशियल पर चार्ज फ्लो होगा। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो हो जाएगा। यह सिंबॉल है केवल, अंदर कहीं से हम कनेक्ट नहीं करते, हम एक छोटा सा वायर लेते हैं जो इंसुलेटेड होता है और अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इनफैक्ट। तो क्या होगा, किस तरह से होगा, आप देखिए। सपोज यहां क्यू स्मॉल क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है तो स्मॉल क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी? हम चार्ज अज्यूम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पोटेंशियल मालूम है इसका क्या हो गया, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, क्योंकि आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। अब इस पर चार्ज स्मॉल क्यू हमने अज्यूम कर लिया इंड्यूस हुआ है, इसकी वैल्यू अगर स्मॉल क्यू है तो इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल किस तरह से लिखा जाएगा? पोटेंशियल लिखा जाएगा वी, दैट इज क्यू बाय स्मॉल आर, क्यू बाय स्मॉल आर 4π0। यह पोटेंशियल किसके कारण हुआ? यह खुद चार्ज क्यू के कारण, रेडियस आर के कारण हुआ। इस स्फीयर पर बाहर वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना हुआ? बाहर वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल हुआ क्यू अपॉन 4π0 कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाला जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा वो क्यू बाय 4π0 आर होगा, अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका खुद का पोटेंशियल होगा, दोनों पोटेंशियल एड हो जाएंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो भी पोटेंशियल होगा उसके खुद के चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और आप देखिए किस किस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना कितना है। इस चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल साफ दिख रहा है 4π0r, क्यू बाय 4π0r है, ये अंदर होगा, और इसके कारण खुद इसका चार्ज क्यू है तो उसके कारण पोटेंशियल होगा क्यू बाय आर इंटू 4π0, इसे इक्वल टू जीरो लिखेंगे क्योंकि यह जीरो होगा,
क्योंकि आज से कनेक्ट किया आपने, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू क्या होगी। क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर इंटू कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। अगर कैपिटल क्यू को हमने पॉजिटिव लिया है तो स्मॉल क्यू ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज माइनस आर क्यू बाय कैपिटल आर, आर कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। तो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और आप देख सकते हैं यहां पर आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसलिए इस क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो कैपिटल क्यू से कम होगा क्योंकि आर कैपिटल आर से कम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू से कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। और एक बहुत बड़ी बात आप देखिए, अब फ्लक्स किस तरह से मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी। इस माइनस चार्ज को कहीं ना कहीं से फ्लक्स चाहिए खाने को, तो फ्लक्स आएगा यहां से, 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 फ्लक्स आएगा यहां से। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज को फ्लक्स मिलेगा, एब्जॉर्ब करेगा फ्लक्स को, फ्लक्स लाइंस को अब्सॉर्ब करेगा माइनस चार्ज। तो ये कहां से आया, इस कैपिटल क्यू का कुछ पार्ट अंदर आ जाएगा, और कितना पार्ट आएगा एग्जैक्टली प्लस क्यू चार्ज, प्लस ऑफ क्यू चार्ज यहां आ जाएगा। यह नेगेटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव, इनफैक्ट मुझे माइनस क्यू लिखना चाहिए, क्योंकि यह क्यू नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्यू इज नेगेटिव, एक बात ध्यान रखिए क्यू इज नेगेटिव, सो माइनस क्यू इज पॉजिटिव। So माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ क्यू अंदर आ जाएगा, और इसमें से इस कैपिटल क्यू जो सरफेस पे था उसमें से माइनस क्यू चार्ज अंदर चले गया। इस मतलब, इसका मतलब आप जो रिमेनिंग चार्ज है वह क्या होगा, माइनस क्यू पॉजिटिव है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस, माइनस बिकम प्लस, प्लस क्यू लिखना होगा आपको यहां पर, कैपिटल क्यू प्लस क्यू, दिस क्यू इज नेगेटिव, सो कैपिटल क्यू माइनस समथिंग, तो यहां चार्ज पॉजिटिव होगा लेकिन कम होगा, और अंदर नेगेटिव चार्ज चले जाएगा, नेगेटिव ऑफ द क्यू दैट इज पॉजिटिव। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो यहां था, काफी सारा पॉजिटिव चार्ज था, उसका थोड़ा सा पार्ट अंदर चले जाएगा, क्योंकि वह अंदर के तरफ फ्लक्स भेजेगा, जो माइनस क्यू जो नेगेटिव चार्ज था इंड्यूस हुआ था उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। अल्टीमेटली जो बाहर पॉजिटिव था उसका थोड़ा पार्ट अंदर चले जाएगा, यहां 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 यहां, तो इसका मतलब हुआ यहां से कुछ चार्ज कम हो जाएगा और ये अंदर चला जाएगा। तो ध्यान रखिए साइन का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बता सकता हूं फिर से एक बार। एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज सपोज 100 लगाया, इसको अर्थ कर दिया, इसको अर्थ किया, तो सपोज यहां पर माइनस 40 चार्ज इंड्यूस हुआ। इस माइनस 40 को कॉम्पनसेट करने के लिए, फ्लक्स प्रोवाइड करने के लिए आपको अंदर पॉजिटिव 40 चार्ज चाहिए, अंदर वाली सरफेस पर यहां, तो इसमें से 40 कम हो जाएगा, अब जो चार्ज बचेगा इस सरफेस पर 60 बचेगा, यहां पॉजिटिव होगा इनफैक्ट, तो यहां माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाली पोटेंशियल को जीरो करके। तो कॉन्सेंट्रिक जो स्फीयर्स होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम देखना है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज देखिए कितना है और उसको कितना फ्लक्स चाहिए, कितना फ्लक्स इमिट करेगा, बचाव फ्लक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, बचाव फ्लक्स बाहर जाएगा, सिंपल। तो आइए आगे देखते हैं कुछ और चीजें ऐसी।